मुरादाबाद में आज कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रामगंगा नदी किनारे जाकर पहले मुंडन कराया और फिर उसके बाद किया पिंडदान। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि सरकार जो भी वादे करती है वो पूरे नहीं करती है, इसलिए वो सावन के दिन में गंगा के किनारे बैठ कर सरकार का पिंडदान, सरकार से कुर्सी छोड़ने की बात कही। आए दिन प्रदेश में हत्याएं हो रही है, प्रदेश जंगल राज हो रहा है, सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। अभी आपने देखा होगा हमारी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सब ने ये कहा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, चीन ने हमारी जमीन एक इंच भी कब्जा नहीं किया। आज एक समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि चीनी भारत से नहीं डर रहे, वो जहाँ थे वहीं उन्होंने जमीन पे कब्जा जमाया हुआ। या तो आज जो पेपर में खबर आई है या तो वो झूठी है या यह सरकार झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार, प्रदेश की सरकार हो या हिंदुस्तान की सरकार हो, ये सब झूठ पे झूठ बोले जा रही है। और आए दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणी जितने भी और समाज के हैं। अब आप देखिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात है, गाजियाबाद में हमारे पत्रकार भाई ब्राह्मण की वहाँ हत्या हो रही। क्या हत्या सिर्फ उसी की हो रही? ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान में जंगल राज हो रहा है। अब आप ये देखिए, हम ये आपसे आपके माध्यम से ये बात कहलाना चाह रहे हैं, ये प्रदेश सरकार झूठ क्यों बोल रही है? सर आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आप पत्रकार की हत्या को लेकर ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या धर्म जाति से इस हत्या को जोड़ा? मैंने आपसे, मैंने कहा ब्राह्मण के साथ, मैंने आप मेरी बात सुनी, आप ब्राह्मण की हत्या बहुत हो रही है, उनके साथ अन्य जातियों की भी हत्या हो रही है। अभी आप देखा, अभी देखा होगा कानपुर में यादव भाई की एक हत्या हुई है, पूरे सब समाज में कोई दिन। अभी आपने ये देखा होगा अभी ठाकुर द्वारा में दो हत्या हुई है, वो आपके। आज आपने क्या प्रोग्राम करा है? आज हमने ये किया है, एक हमने गंगा के किनारे, गंगा के किनारे का क्या मतलब है? गंगा के किनारे का मतलब ये सावन के पवित्र दिन चल रहे हैं और जो गंगा के किनारे बैठ के पूजा आराधना करता है, गंगा मैया भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करती है। तो क्या हमने सुना? हमने इसलिए किया है, ये सरकार दिल्ली की हो या नखलों की, सत्य बोले, या तो अपना पद छोड़े। अगर उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, हिंदुस्तान नहीं संभल रहा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, कोई दूसरों को मौका दो।